हेलो एंड वेलकम वन सेकेंड गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऑटो कैड के ऊपर, उसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कशन किया है, लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट की हुई है आप लोगों के अपने चैनल पे, उसमें हमने ये बताया है कि ऑटो कैड का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऑटो कैड किस तरीके से वर्क करता है, ऑटो कैड का जो अल्टरनेट वर्जन है या ऑटो कैड कहाँ से निकल के आया, जो आप लोग मिनी ड्राफ्टर्स वगैरह यूज़ करते थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह में प्रोसेस करते थे, उसी का एडवांस वर्जन हमारा निकल के आता है ऑटो कैड। ऑटो कैड को अगर आप एलोब्रेट करते हो या डिफाइन करते हो तो आप ये कहते हो ऑटो कैड, ऑटो दैट विल स्टैंड फॉर द ऑटोमेशन एंड कैड विल स्टैंड फॉर द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑटो कैड क्या है तो आप यही बताइए, ऑटोमेटिकली जो डिज़ाइन कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है, कंप्यूटर के बिहाफ से की जाती है, दिस इज कॉल्ड द ऑटो कैड। ये हमारी ऑटो कैड कहलाती है। और लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कशन किया है कि ऑटो कैड इज टोटली डिपेंड ऑन द प्लॉटिंग सेक्शन। ऑटो कैड में सारी चीज़ें प्लॉटिंग पे ही डिपेंड होती हैं। और जैसा कि आप यहाँ पेज पे देख पा रहे होंगे, ये पेज पूरा का पूरा ग्राफिकल शीट है, और ग्राफिकल शीट पे हम लोग जो डिज़ाइनिंग करते हैं या ग्राफिकल शीट पे जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो एक प्लॉटिंग के आधार पे ही करते हैं। जाहिर सी बात है, आप जब पेन लेके किसी पेपर पे नोट करने जाते हो तो डेफिनेटली आप क्या करते हो, कहीं एक पॉइंट सेलेक्ट करते हो। जब वो पॉइंट आप सेलेक्ट करके वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो तो आप वहाँ प्लॉट कर रहे हो, मतलब वहाँ से स्टार्ट करो। प्लॉटिंग का मतलब कोई एक स्पेसिफाइड स्थान को या जगह को जब आप सेलेक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड अ प्लॉटिंग सेक्शन। तो ऑटो कैड विल टोटली डिपेंड ऑन अ प्लॉटिंग, एंड प्लॉटिंग को भी मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट इंट्रोडक्शन में डिफाइन करा हुआ है कि तीन पार्ट्स में हमारी प्लॉटिंग होती है, एब्सोल्यूट प्लॉटिंग, रिलेटिव प्लॉटिंग एंड पोलर प्लॉटिंग। एक बार फिर से हम यहाँ पे रिकॉल करा रहे हैं, एब्सोल्यूट प्लॉटिंग इज कॉल्ड अ प्लॉटिंग विच इज टोटली फिक्स्ड। इट मीन्स दैट जिसमें ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट ऑफ द डायग्राम शुड बी नोन, आपके जो भी डायग्राम्स हैं उसके ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट शुड बी नोन, दैट इज कॉल्ड अ एब्सोल्यूट प्लॉटिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिस एग्जाम्पल से आपको 100% क्लेरिफाई हो जाएगा कि हमारी एब्सोल्यूट प्लॉटिंग क्या होती है। जैसे मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है, सिंपल सी बात ले लेते हैं बेटा, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं और आपकी मदर ने आपको फ़ोन किया कि बेटा कुछ खाने के लिए इनके लिए लेते आना, खाने के लिए लेते आना मतलब पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च को जोड़ लो अपने ऑटो कैड से, पैसा खर्च इज इक्वल्स टू डिज़ाइन बनना। आप ये मान लीजिए जो आपके पैसे स्पेंड हो रहे हैं वो इज इक्वल्स टू डिज़ाइन बनना, बट आपकी मदर ने कहा कि कोई आया हुआ है उनके लिए खाने के लिए लेते आओ, ठीक, और उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि कौन आया है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने डिफाइन नहीं की। अगर उन्होंने डिफाइन नहीं किया तो क्या बनता है कंडीशन, हम पैसा खर्चा करेंगे बट हम स्पेसिफाइड चीज़ों में खर्चा नहीं करेंगे, स्पेसिफाइड इन द सेंस हम उनकी पसंद की चीज़ें नहीं ले जा रहे हैं, बस खाना पूर्ति हम लेके जा रहे हैं। इस तरह की प्लॉटिंग को रिलेटिव प्लॉटिंग कहा जाता है। मतलब रिलेटिव प्लॉटिंग का मतलब हम डिज़ाइन बना दे, जैसे मुझे किसी ने कहा कि एक लाइन बना दो 10 की, ठीक, तो हम ये लाइन खींच उठाए और एक 10 की लाइन हमने यहाँ पे खींच डाली। ध्यान से देखिए, जैसे मुझे किसी ने कहा 10 की लाइन बना डालो बेटा, तो हमने यहाँ से लाइन लिया और लाइन मैंने यहाँ से 10 की, ये लो ये 10 की लाइन मैंने यहाँ से बना के रख दी, ठीक है, तो 10 की लाइन मैंने यहाँ बना के रख दी। इट मीन्स डैट ये 10 की लाइन मेरी रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मेरा 10 का होना चाहिए। वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, उससे मुझे लेना देना नहीं है, किस पॉइंट से शुरू किया, किस पॉइंट पे ख़त्म किया, इससे हमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। 10 की लाइन बस बन गई तो बन गई, ठीक है, क्लियर। अब देखो 10 की लाइन जो है ये आपकी ये रही, जेड एंटर, ए एंटर कर दीजिए, ये आपकी 10 की लाइन, इसको थोड़ा सा जूम कर लो, ये लाइन आपकी बन के रेडी है, ठीक। तो एब्सोल्यूट प्लॉटिंग हमें ये कहता है, मतलब रिलेटिव प्लॉटिंग हमें ये कहता है कि हमें ये नीड नहीं है, हमारी ये नेसेसिटीज नहीं है कि आपको ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट्स नोन हो, मतलब उस कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ ख़त्म किया, इससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको। सिर्फ आपको मतलब होना चाहिए रिजल्ट से, मतलब आपको सामान लाना है तो लाना है, किसके लिए लाना है, क्यों लाना है, क्या लाना है, ये मतलब नहीं है। बट वही अगर आपकी मदर ने ये कह दिया होता कि बेटा आपका फ्रेंड आया हुआ है उसके लिए कुछ खाने के लिए लेते हो, तो आप अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानते हो, आप अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप उसकी स्पेसिफाइड चीज़ों को ले आओगे, आप जो वो खाता होगा वो लेके आओगे। इस तरह की प्लॉटिंग या इस तरह का जो खर्चा होता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट प्लॉटिंग। एब्सोल्यूट प्लॉटिंग का मतलब ये है कि जहाँ से हम लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं, उसके स्टार्टिंग एंड एंड कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। रिजल्ट्स बाद की बात है, रिजल्ट हमें पता हो या ना हो, लेकिन रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली निकल के चला आएगा जब हमें स्टार्टिंग एंड एंड कोऑर्डिनेट्स पता हैं। तो एब्सोल्यूट प्लॉटिंग ये कहता है कि आपकी स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स एंड एंड कोऑर्डिनेट्स शुड बी नोन। जैसे मान लो अगर मुझे कोई कहता है कि आप लाइन बनाइए, तो हमने लाइन का कमांड ले लिया,
ठीक, अब हमें ये फिक्स करना पड़ेगा, वो बंदा मुझे डिफाइन करेगा, वो बंदा मुझे ये कमांड देगा कि सर आपको यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा वो कितना है, आप यहाँ नीचे में देखिए 699,903। तो कोई बंदा मुझे डिफाइन करता है कि आप अपनी पॉइंट को यहीं से शुरू करिए और आप यहाँ पे ही खत्म करिए, ठीक है। ये हमारी एब्सोल्यूट प्लॉटिंग कहलाती है। एब्सोल्यूट प्लॉटिंग का मतलब ग्राफ शीट पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टार्टिंग सेक्शन एंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड सेक्शन शुड बी नोन, ये हमें नोन होना चाहिए। इस तरह की प्लॉटिंग हमारी एब्सोल्यूट प्लॉटिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉटिंग है, दिस इज कॉल्ड अ पोलर प्लॉटिंग। पोलर प्लॉटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी प्लॉटिंग जिसमें एंगल इंक्लूड हो। एंगल इन द सेंस, जैसे मान लो एक लाइन हम बना रहे हैं, ये लाइन मैंने लिया, इस लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ लिया और इसी लाइन को यहाँ से यहाँ ले लिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक एंगल इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ प्लॉटिंग इन विच एंगल इज इंक्लूडेड, दिस प्लॉटिंग इज कॉल्ड अ पोलर प्लॉटिंग। ऐसी प्लॉटिंग जिसमें एंगल इंक्लूड हो, इस तरह की प्लॉटिंग्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट सॉरी पोलर प्लॉटिंग कहा जाता है। क्लियर? तो ये पोलर प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, जिसमें एंगल इंक्लूड होगा। अब कंडीशन ये आता है, पोलर प्लॉटिंग दोनों के साथ एग्जिस्ट करती है, रिलेटिव के साथ भी एग्जिस्ट करती है और एब्सोल्यूट के साथ भी एग्जिस्ट करती है। पोलर प्लॉटिंग हमारी रिलेटिव के साथ भी एग्जिस्ट करती है और एब्सोल्यूट के साथ भी एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करती है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से और इस लाइन को हमने सीधा ले लिया, सीधी लाइन ली मैंने 10 की, यहां से फिर 60, ठीक है। ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इसको थोड़ा बड़ा, जेड एंटर, ए एंटर, और इसको जूम कर लो थोड़ा सा, आपकी स्क्रीन पे आ जाइए। पहले पेन कमांड से इसको बीच में ले आओ। ये पेन कमांड जो है वो इसलिए है कि आपके जो GUI का ग्राफ है उस ग्राफ को आप ड्रैग कर सको, एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करके ले आओ। अब इसको यहाँ से जूम करते हैं, या इस पर डायरेक्ट क्लिक कर लो। जूम कमांड, और अच्छा ये रहेगा कि जितने फ्रेशर्स लोग हैं, जितने भी फ्रेशर्स हैं जो कि ऑटो कैड पे काम कर रहे हैं, कोशिश बेटा ये करिएगा आप लोग कि आप लोग ऑलवेज अपने सिस्टम के साथ माउस वगैरह रखिएगा, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। जो जूम करने में ये परेशानियां आ रही हैं, ये परेशानियां आपको नहीं होंगी क्योंकि आपके माउस में बीच में रोटेशंस बटन होते हैं, दोनों कर्सर के बीच, मतलब सॉरी दोनों क्लिक्स के बीच में एक कर्सर होता है जिसे आप रोटेट कर सकते हो। जब उसे आप रोटेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जूम इन और जूम आउट होता रहेगा, परेशानी नहीं होगी, इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग भी माउस पर ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन के चलाया। अब देखो इसमें एंगल इंक्लूड है, एंगल कहाँ से इंक्लूड है, आप एंगल देखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, ये आगे आने वाली क्लासेस में हम फिर से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एनोनेशंस पे आइए और एंगुलर पे आइए, और एंगुलर पे आने के बाद आपको दो लाइन के बीच का एंगल देखना है, तो पहली लाइन पे क्लिक कर दीजिए और दूसरी लाइन पे क्लिक कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके एंगल लिख के आ जाएंगे, ठीक है। हमें इन दो लाइन के बीच का एंगल चाहिए, ये 60 है, इस दो लाइन के बीच का एंगल चाहिए, तो इस लाइन पे क्लिक कर दीजिए, इस लाइन पे क्लिक कर दीजिए, हमारा जो एंगल है 60 है। फिर हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए, इस पे क्लिक कर दीजिए, इस पे क्लिक कर दीजिए, इसका एंगल भी हमारा यहाँ पे देखो 60, ठीक है। तो ये जो प्लॉटिंग है हमारी, ये कैसी प्लॉटिंग है,
अगर आपने ये लाइन एट रेंडमली ड्रॉ किया हुआ है, एट रेंडमली इन द सेंस आपने कोऑर्डिनेट्स को देख के नहीं किया, आप रिजल्ट्स देख के चल रहे हो कि ये लाइन हमारी कितने की है, 10 10 की है। जैसे मान लो लीनियर पे अगर हम देखें इस लाइन का लेंथ, देखें तो कितना है इस लाइन का लेंथ, इस लाइन का लेंथ हमारा है 10, ठीक है। दूसरे लाइन की बात करें तो दूसरे लाइन की लेंथ कितनी है, 10, क्योंकि इक्विलेटरल पे बात किया गया है तो 10 10 की लेंथ आ रही है। अभी देखो ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, बिकॉज हमारी जो ये लाइन है वो टिल्टेड लाइन है। टिल्टेड लाइन के लिए जो हमें जो डायमेंशंस लेनी होंगी वो लीनियर से नहीं मिलेगा, वो डायमेंशंस हमें मिलेगा अलाइंट से। तो अलाइंट पे आइए और अलाइंट पे क्लिक करिए यहाँ पे, और अपने आप आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि इसकी लेंथ हमारी 10 है, ठीक है। तो लेंथ हमें ऑटोमेटिकली क्या मिल रही है, 10 मिल रही है। अब जो ये 10 मैंने दिया, ये रिजल्ट की बात की है मैंने, ना मैंने स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट को डिफाइन करा ना मैंने एंड कोऑर्डिनेट को डिफाइन किया। ऐसा तो मैंने किया नहीं, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट को भी डिफाइन नहीं किया और एंड कोऑर्डिनेट को भी डिफाइन नहीं किया। मैंने किसको डिफाइन किया, मैंने रिजल्ट को डिफाइन किया, मैंने 10 को डिफाइन किया। तो इस तरह की प्लॉटिंग जिसमें रिजल्ट पे बात होती है, और रिजल्ट की बात किस में होती है, रिलेटिव प्लॉटिंग में होती है। रिलेटिव प्लॉटिंग में ही ये मतलब होता है कि हमें अपने रिजल्ट से मतलब है, कहाँ से शुरू किया कहाँ खत्म किया उससे मतलब नहीं है। तो इस तरह की प्लॉटिंग्स हमारी कहलाती है जिसमें रिजल्ट हो और एंगल हो, ये हमारा कहलाता है पोलर के साथ रिलेटिव प्लॉटिंग। बट जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को भी देखना शुरू कर दें, अगर हमने यहाँ से लाइन लिया और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंट स्टार्ट हो, ठीक है, हमारा जो डायग्राम स्टार्ट हो, मान लेते हैं हम चाहते हैं 0.0 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो 0.0 हमने दिया, फर्स्ट पॉइंट हमारा 0.0 होगा, ठीक। लेकिन सबसे पहले मान लो यहाँ से लाइन ले लो, आप लाइन लिया, ठीक है, स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट मान लो मैंने ले लिया 0.0, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं 10.0, देखिए जो नीचे में भी हम लोगों ने बनाया था 0.0 और 10.0 से ये लाइन हमारी यहाँ बन के आई थी। अब दिक्कत ये है कि हमारा जो ग्राफ शीट है वो बहुत ज़्यादा जूम इन जूम आउट हो चुका है, ठीक है, इसलिए स्पेसिफाइड तरीके से हमें चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, ठीक। ये नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग माउस पे काम करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही स्पेसिफाइड वे में हमें पता चलेंगे ये लाइन यहाँ पे है। अभी बस आपको इतना समझना है बेटा कि अगर आप रिलेटिव के साथ पोलर का कॉन्सेप्ट अगर लगाते हो तो आपको रिजल्ट पता होगा और एंगल पता होगा, बट अगर आप एब्सोल्यूट के साथ अगर आप पोलर को लगाते हो तो आपको रिजल्ट के साथ साथ वो लाइन कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। आगे आने वाली क्लासेस में जब हम लोग एब्सोल्यूट प्लॉटिंग करेंगे या उस तरह के फंडामेंट्स पे डील करेंगे तो बात करेंगे, बट एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में डाल के रखना, कभी भी इंडस्ट्रियल वे में या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब आप काम करते हो तो आपको एब्सोल्यूट प्लॉटिंग पे ज़्यादा काम नहीं करना है। आपको टोटली जो डिपेंड होना है वो रिलेटिव प्लॉटिंग पे ही डिपेंड होना है, बिकॉज रिलेटिव प्लॉटिंग, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप सभी लोगों के सामने अगर एक पेन रखा हुआ है और किसी बंदे ने कहा कि बेटा ऐसा है एक काम करिए इस पेन की डिजाइनिंग कर दीजिए ऑटोकैड पे, तो क्या कहोगे आप उससे? आप उसे डायरेक्टली यही पूछोगे सर पेन की लेंथ कितनी है, डाया कितनी है, थिकनेस कितनी है, ये सारी चीज़ों पे उससे क्वेश्चन करोगे। ये नहीं कहोगे कि सर ये एक्स कोऑर्डिनेट में कहाँ लाई कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट में कहाँ लाई कर रहा है, बिकॉज वो जिस टेबल पे रखा है उस टेबल पे ग्राफ शीट नहीं रखी हुई है। तो प्रैक्टिकली बात करो, ग्राउंड लेवल पे बात करो, तो ग्राउंड लेवल और प्रैक्टिकल लेवल पे अगर बात करें तो एब्सोल्यूट प्लॉटिंग इज नॉट दैट मच नेसेसरी एज कम्पेयर टू द रिलेटिव प्लॉटिंग। एब्सोल्यूट प्लॉटिंग वहां पे नेसेसिटीज होता है जहां पे हम एक सरफेस पे बात कर रहे हैं, एक कमरे में बात कर रहे हैं, उस कमरे में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर शो करा दें कि हाँ इतनी दूरी पे हमारा ये डिवाइस रखा हुआ है, सच डिस्टेंस पे हमारा दूसरा डिवाइस रखा हुआ है, उसकी हमें प्लॉटिंग करनी है, तो वहां भी जरूरी नहीं है कि वी हैव टू गो फॉर द एब्सोल्यूट प्लॉटिंग, वी कैन ऑल्सो डू बाई द रिलेटिव प्लॉटिंग। सो दिस इज माई सजेशन, टोटली फोकस्ड ऑन अ रिलेटिव प्लॉटिंग, नॉट ओवर द एब्सोल्यूट प्लॉटिंग। इफ यू नो द रिलेटिव प्लॉटिंग इट मीन्स दैट यू कैन डू एब्सोल्यूट प्लॉटिंग, और वी कैन कंक्लूड और वी कैन टेक ओवर द रिजल्ट, ऑल्सो टेक द रिजल्ट ऑफ एब्सोल्यूट प्लॉटिंग बाई यूजिंग अ रिलेटिव प्लॉटिंग। सो टोटली फोकस्ड ऑन अ रिलेटिव प्लॉटिंग, नॉट ऑन द एब्सोल्यूट प्लॉटिंग, ओके। और आगे भी हम लोग जो फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ेंगे, जो भी तरीके पढ़ेंगे, वो कोशिश करेंगे कि रिलेटिव प्लॉटिंग्स को पूरा का पूरा कवर किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कि प्लॉटिंग करने के तरीके क्या क्या हैं, किस किस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग करने के तरीके बेटा बहुत सारे हैं, ठीक है, बट हम रिसर्च किस पे कर रहे हैं, हम हेल्प किसकी ले रहे हैं, हम कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं, और कंप्यूटर की जब हेल्प ले रहे हैं तो इससे हमें इनपुट देने का जो तरीका है वो दो तरीका है, एक तो माउस से आप देते हो इनपुट और एक आप किससे दे रहे हो, एक आप कीबोर्ड से दे रहे हो। तो अगर हम देसी वे में बात करें,
देसी और सिस्टमेटिक वे की, देसी वे की अगर बात करते हैं, मतलब एक बहुत इजी वे की बात करते हैं, तो इजी वे में जो हमारा तरीका है वो माउस का है। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन को बुला के यहाँ पे रखना है, तो क्या करेंगे, माउस से लेंगे और माउस से बुला के यहाँ पे रखेंगे। लेकिन देखो इसका लॉजिक क्या क्या है, इसमें फेलियर्स क्या क्या है, इसमें दिक्कतें क्या क्या है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, जैसे मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में आपको रिलेटिव्स को बुलाना है, तो रिलेटिव्स को बुलाना है तो आप अपनी गाड़ी भेजोगे, उनको बुलाओ के लोग बुलाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी सरदर्दी ज़्यादा होगी, ठीक। तो ये ड्रॉबैक है माउस से करने का। मतलब आप अगर अपनी लाइब्रेरी से किसी को बुला के ला रहे हो, ठीक है, हाँ अपनी लाइब्रेरी से किसी को बुला के ले आ रहे हो या उनके घर से किसी को बुला के ले आ रहे हो, तो टेंशन आपको होगा, माउस से जाओगे लेके आओगे तो टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा। और ऑटो कैड क्यों कर रहे हो आप? ऑटो कैड करने का रीज़न हमारा ये है कि डिज़ाइनिंग को फास्टली किया जाए, फास्ट से फास्ट प्रोसेस में करके दिया जाए, एक्यूरेसी के साथ दिया जाए। तो ये भी एक डाउट हमारा निकल के आता है यार कि ये अगर हम माउस से जाते हैं आते हैं तो टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो दूसरा तरीका हमारा आता है माउस प्लस कीबोर्ड, कि माउस की भी हेल्प ले रहे हैं, कीबोर्ड की भी हेल्प ले रहे हैं, तो थोड़ा काम हमारा फास्ट हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोफेशनल वंस, जो प्रोफेशनल बंदे हैं जो कि टोटली वर्क करते हैं ऑटो कैड के ऊपर और ऑटो कैड के डिजाइनिंग में पूरा का पूरा प्रोफेशनलिज्म लेके रखे हुए हैं, दे ऑल आर डिपेंड ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड ये कहता है कि सर ऐसा है, मेरे साथ अगर आप काम करते हो, मेरी चीज़ों को अगर रिमेम्बर रखते हो, मेरी चीज़ों को रिकॉल रखते हो, तो मेरे साथ आपको काम करना और मेरे से डिज़ाइनिंग करना बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा, और इसमें आपका एरर नहीं होगा, और दूसरी चीज़ आपका वर्क जो होगा फास्ट प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है आपके रिमेंबरिंग कैपेसिटी जो है वो गुड होनी चाहिए, लर्निंग गुड होनी चाहिए और रिकॉलिंग कैपेसिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक कमांड को याद किए फिर उसके बाद भूल गए। सिंपल सी बात है, आप किसी मेहमान को बुला रहे हो तो गाड़ी भेज के आपने बुलवा लिया, सरदर्दी ज़्यादा है, लेकिन आपको अपनी सरदर्दी नहीं रखनी है तो आप क्या करते हो, उसको फ़ोन कर देते हो, सर मेरे यहाँ फंक्शन है, आप इस डेट को पहुँच जाइएगा। उसी तरीके से उस फंक्शन है पहुँच जाइएगा तो उसके लिए आप उसका नंबर सेव रखते हो या नंबर याद रखते हो, सेम उसी तरीके से अगर आप कीबोर्ड से काम करते हो, मतलब इस लाइन के कमांड को आप ऑटोमेटिकली बुलाना चाहते हो, तो इस लाइन का कमांड आपको याद रखना पड़ेगा। और यही हमारा कीबोर्ड कहता है कि अगर सर आपको किसी चीज़ को बुलाना है, कॉल कराना है, तो जाहिर सी बात है उस बंदे का या जिस बंदे को आप कॉल करा रहे हो उसका आप कमांड याद करना पड़ेगा, लर्न करनी पड़ेगी और रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। मतलब रिकॉल करने की क्षमता आपकी गुड होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ आपके पास बेटर होनी चाहिए। तो ये बस दिक्कत रहता है हमारा कीबोर्ड सेक्शन में। बट आगे आने वाले टाइम में जब आप इसमें प्रोफेशनलिज्म को अचीव करोगे, आप उस लेवल पे पहुंचोगे, तो आपको टोटल डिपेंड होना पड़ेगा कीबोर्ड पे, अगर आप गुड एंड बेस्ट डिज़ाइनर बनना चाहते हो। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड, माउस को टच नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे बीच वाला, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो माउस है वो गरीबी रेखा है, बीच वाला एवरेज हो गया, कीबोर्ड वाला अमीरी वाली बात हो गई। तो हम लोग आम आदमी की तरह ही शुरुआत करेंगे, फिर पहुंचेंगे अमीरों की तरह, गरीबों वाली बात नहीं करते हैं, सोच को बड़ा रखते हैं। क्लियर? तो हम लोग का काम जो होगा माउस प्लस कीबोर्ड से होगा, और माउस प्लस कीबोर्ड में हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, लर्निंग और रिमेम्बरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि माउस से हम सेलेक्शन ले लेंगे इसकी, और बाकी जो एक्यूरेसी का काम होगा कीबोर्ड से कर लेंगे, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू द कीबोर्ड, बिकॉज हम एक बार शिफ्टिंग करेंगे अपने कंसंट्रेशन को कीबोर्ड पे, एक जगह हम अपने कंसंट्रेशन को शिफ्ट करेंगे माउस पे। तो अगर हम किसी पेज पे ब्लैक एंड ब्लू पेन से लिख रहे हैं 1 मैटर, और दूसरे पेज पे वही सेम मैटर सिर्फ ब्लू पेन से लिख रहे हैं, तो कौन सा फास्ट लिखोगे? जाहिर सी बात है जो एक पेन से लिख रहे हो, तो आप दो जगह कंसंट्रेशन रख रहे हो, एक बार माउस पे एक बार कीबोर्ड पे, तो आपका काम स्लो होगा एज कम्पेयर टू द कीबोर्ड। बट अभी आपका फ्रेशर जोन है, अभी आपने डिजाइनिंग स्टार्ट की है, तो उतना ज्यादा आपकी रिमेंबरिंग नहीं है, उतना कमांड आपने रिमेंबर नहीं किया है। इसको पढ़ते टाइम ही हम कमांड्स को रिमेंबर करते चले जाएंगे, और हम इसमें नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि कमेंट सेक्शंस में या आप डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स ले लेना, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड रहेगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके आप जो भी पीडीएफ लेना चाहो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, कोई कॉस्टिंग उसकी नहीं है। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो पेज हमारी खुली हुई है उस पेज पे क्या है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से काम करते हैं। तो बेटा जो ये पेज खुला हुआ है, इस पेज को हम बोलते हैं जीयूआई शीट। जीयूआई शीट का मतलब ग्राफिकल और यूजर इंटरफेस। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्लैक कलर की जो शीट है, ये आपकी पूरी की पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल नोटेशंस में आपको प्रोवाइड की गई है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका टोटल का टोटल ग्राफ हो गया। आप इसके सामने बैठे हो, आप इसके साथ काम करने वाले हो, तो आप यूजर हो गए। दोनों के बीच का जुड़ाव वो क्या हो गया, दिस इज इंटरफेसिंग। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिंग। बहुत सारे लोग इसको ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है, सही रिप्रेजेंटेशन या सही टेक्निक नहीं है टेलिंग का, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग उन्हें कहा जाता है जिसमें आप मिनी ड्राफ्टर्स वगैरह यूज करते हो, ठीक है, आप ड्राफ्टिंग सेक्शन जनरेट कर रहे हो, बट मिनी ड्राफ्टर आपने नहीं यूज किया, आपने
आपकी रिक्वायरमेंट्स में, या जो भी आपने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं उसमें, मैंने ड्राफ्टर नहीं यूज़ किया है, आपने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, लैपटॉप यूज़ किया और उसकी टेक्निक्स को और उसके शॉर्टकट्स को यूज़ किया है, ठीक है, तो आप इसे ऑटो कैड शीट या फिर GUI शीट कह सकते हो, ठीक है, या GUI पैनल कह सकते हो। ड्राफ्टिंग एक सही तरीका नहीं है, बट अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के तरीके हैं, अपनी अपनी नोटेशंस हैं, लोग जिस तरीके से इसे नोटेट करना चाहें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, और डाउट जो जनरेट होता है वो इंस्टीट्यूट से ही जनरेट होता है, या डाउट जो जनरेट होता है वो हमारी फैकल्टी से जनरेट होता है, या जहाँ से हम अवेयरनेस लेते हैं वहाँ से जनरेट होता है, क्योंकि समाज में तरह तरह की टेंडेंसी है, तरह तरह की नॉलेज है, तरह तरह की चीज़ें हैं, इसलिए हम आपको खुल के बता दें, खुल के चीज़ों जान लो, बिकॉज मेरी बातों पे मत जाना, गूगल्स पर लेना, गूगल पे भी जाके चेक करना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा कहे, क्योंकि आज के टाइम पे चीज़ें इस तरह से हो गई हैं बेटा, किसी एक बंदे पे विश्वास बिल्कुल मत करिए आप, चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, अगर आप जानना चाहो, देखना चाहो, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, समझना, किसी सामान, मतलब आपको कोई भी काम अगर करना है या कराना है या कोई भी प्रोडक्ट लेना है, किसी एक दुकान पे जाके देखो, वहां रेट लो, फिर जाके नेक्स्ट दुकान पे रेट लो, फिर जाके तीसरी दुकान पे रेट लो, आपको खुद डिफाइन हो जाए, खुद ये क्लियर हो जाएगा कि यार अगर हम तीन दुकान घूमे तो रेट में कोई ना कोई डिफर आ रहा है, क्लियर। इसीलिए किसी की भी बात सुनिए, किसी की भी चीजों को जान रहे हो या किसी से आप उस चीज को समझ रहे हो, तो कोशिश ये करो कि उसको क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये डाउट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि जो बच्चे अपने इंस्टीट्यूट्स में आते हैं या जो बच्चे मुझसे मिलते हैं सेमिनार्स वगैरह में, उनका ये होता है कि सर हम ये ऑटो कैड कर लिए, 2D कर लिए, 3D कहाँ कर रहे हैं, या 3D कहाँ से करें। तो बेटा इस चीज़ को आज से अवेयरनेस में डाल लीजिए, अपने दिमाग को अवेयर कर लीजिए। ये सॉफ्टवेयर आपको 2D एंड 3D दोनों प्रोवाइड करता है, आपको जो ये कहता है कि 2D इस पे होगा, 3D के लिए आपको चार्जेस करने पड़ेंगे, तो ये गलत चीज़ें हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो इस सॉफ्टवेयर में 2D एंड 3D दोनों आपको प्रोवाइड होगा, ये नहीं कि अगर 3D के लिए आपसे कोई चार्जेस मांगता है तो आप उसको प्रोवाइड कराओ, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, मेरी बातों पे मत जाना, और हम भी आपको वेरीफाई करा दे रहे हैं। ये जो पैनल खोल के आया है 2D का शीट है, 2D की लाइब्रेरी है, अब इसमें GUI में ये ऊपर में जितनी भी चीज़ें खुल के आई हैं, दिस इज अ लाइब्रेरी ऑफ 2D, ये आपका GUI शीट है, ठीक है, और ये आपका कर्सर हो गया, इसको हम बोलते हैं UCS, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई दिख रहा है, इसे UCS या UCI बोलते हैं। UCS और UCI का मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट आइकन, ये डिनोट ये करता है कि हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 2D में चल रहे हैं या 3D में चल रहे हैं। नीचे आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम कीबोर्ड से काम करेंगे तो हम कमांड्स को बुलाएंगे, ऑटोमेटिकली रिमेंबर करेंगे या ऑटोमेटिकली रिकॉल कराएंगे, चीज़ों को बुलाएंगे लाइब्रेरी में से, चीज़ों को कॉल करके कहेंगे कि भैया आके यहाँ एक्सेस करिए, तो जब कॉल कराएंगे तो उनका नंबर देना पड़ेगा ना, नंबर इन द सेंस उनका जो कमांड होगा वो कमांड प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे मुझे लाइन को कॉल कराना, तो क्या करेंगे, लाइन को कॉल कराने के लिए एक तरीका ये है कि हम जाके इसको क्लिक करें, लाइन को बोलें कि चलो भैया एक्सेस करने, एक तरीका ये है माउस से, दूसरा तरीका ये है कि हम इसे कॉल कराएं बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का कमांड क्या है, कमांड याद रखना पड़ेगा, कमांड क्या है, एल, जो हम एल टाइप करेंगे, एल इज अ कमांड ऑफ लाइन, कहाँ टाइप हो रहा है, वो कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप हो रहा है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, अब देखो लाइन आ चुका है, आपको जाके लाने की जरूरत नहीं है, क्लियर, ये चीज क्लियर रखनी है आपको, ठीक है। तो ये नीचे का जो सेक्शन स्टैंड करता है, डेट विल स्टैंड फॉर अ कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड लिखने के लिए ये हमारा स्टैंड करता है, कमांड यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे, जो इसका प्रीवियस डिस्कशन था मेरा, कि 2D एंड 3D पे, तो देखो बेटा इसमें 3D का ऑप्शन भी प्रोवाइड होता है, आप इस पे जब क्लिक करोगे यहाँ पे, तो 3D मॉडलिंग एंड 3D बेसिक्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑटोकैड क्लासिक का भी वर्जन अवेलेबल है, इट मींस डैट जैसे आपके पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का जो पहला वर्जन बना उसके बाद चीजें अपडेट होती गई, तो फर्स्ट वर्जन जो है, फर्स्ट वर्जन इज अ स्टैंड और वॉज अ स्टैंड फॉर द क्लासिक वन, उसी तरीके से ऑटोकैड के जो वर्जन्स बनते हैं, ऑटोकैड अपडेट होते होते 2020 तक आ चुका है, ठीक है, ऑटोकैड 2020 तक आ चुका है, तो उसके अभी मतलब ऑटोकैड जिसने बनाया था, जो फर्स्ट ऑटोकैड वर्जन था, उस पर जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी हमें, वो हमें 2020 पे सीखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, सबके शॉर्टकट्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं, बट अगर शॉर्टकट्स की बात हम ज़्यादा करेंगे तो हम बेसिक चीज़ों को भूल जाएंगे, इसीलिए बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम बेसिक से स्टडी करें, तो इसके लिए हर ऑटोकैड के वर्जन में क्लासिक वर्जन को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लासिक वर्जन्स को रखा जाता है, कि आप अगर सीखना चाहो प्रीवियस वर्जन से या क्लासिक सेक्शन से अगर सीखना चाहो, जो हमारा सबसे पहला वर्जन था, तो उससे भी आप सीख सकते हो, इसलिए इसमें ये वर्जन अवेलेबल करा दिए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा
डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि हम माउस से डिजाइनिंग करेंगे। माउस से अगर हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमारे क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डिजाइनिंग देखेंगे कि माउस प्लस कीबोर्ड से करते हैं तो क्या हमें फायदे मिलते हैं, और छोटा मोटा थोड़ा बहुत डिजाइन करके आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे वहीं पे। और आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप लोगों के पास अगर सिस्टम है तो थोड़ी बहुत चीज़ों को प्रैक्टिस करो, और अगर सॉफ्टवेयर्स हैं तो अच्छी बात है, अगर सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप करने के बाद आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कुछ आईडीज दे दी जाएंगी, उन आईडीज के थ्रू आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप चीज़ों को परफॉर्म करिए, देखिए ठीक से, और सॉफ्टवेयर जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम वगैरह पे प्रोवाइड कर देंगे, वो नंबर हम मेरा जो व्हाट्सएप पे है वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, ठीक है। और डिजाइनिंग में देखते हैं कि किस तरह से माउस एंड माउस प्लस कीबोर्ड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी कीबोर्ड हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, कीबोर्ड हम लोग स्टडी करेंगे आगे आने वाली 2-3 क्लासेस के बाद। तो माउस एंड माउस प्लस माउस कीबोर्ड के साथ क्या डिफरेंसेज हैं, और क्यों हम माउस को नहीं सेलेक्ट करते, माउस प्लस कीबोर्ड को ही सेलेक्ट करते हैं। आइए सबसे पहले आते हैं, एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन लेते हैं सिर्फ माउस से, एक लाइन यहाँ से सेलेक्ट किया और ये लाइन हम बनाते हैं 10 की। हाँ एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे पहले से सेट करके रखा हुआ है जिसमें आपको चीज़ें दिख नहीं रही होंगी। ऑर्थो मोड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो एक ऑर्थो मोड है। ऑर्थो मोड जो होता है उसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए, एक लाइन लिया मैंने, लाइन लेने के बाद हम लाइन सीधी खींच रहे हैं, लेकिन हम चाहे यहाँ भी जा सकते हैं, हम चाहे यहाँ भी जा सकते हैं, हम चाहे यहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हैं। इट मीन्स डैट रोटेशन जो है, एंगुलर रोटेशन इज ऑन, एंगुलर रोटेशन हमारा ऑन है इस समय, ठीक है। एंगुलर रोटेशन को ऑन ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ किया जाता है। तो ऑर्थो मोड अगर ऑन करते हो तो एंगुलर रोटेशन ऑफ हो जाता है, मतलब आप सिर्फ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ही मूवमेंट कर सकते हो। किस एंगल पे, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 270 पे। बीच के जो एंगुलर रोटेशन है उस रोटेशंस को करने की ज़रूरत नहीं है, और वो रोटेशंस आपके हाइड हो जाते हैं अगर आप ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हो। तो ऑर्थो मोड ऑन इट मीन्स डैट रोटेशन विल ऑफ, ठीक। अगर ऑर्थो मोड को आप ऑफ कर देते हो तो रोटेशन विल ऑन, मतलब आप किसी भी एंगल को सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एंगल आप अचीव कर सकते हो। बट स्टार्टिंग की क्लासेस में जब हमें सीधी सीधी लाइंस अगर लेनी होंगी, सीधी सीधी लाइंस जब ड्रॉ करनी होगी, तो ऑर्थो मोड को हम ऑन रखेंगे, ऑर्थो मोड को ऑफ करके रखा जाएगा, ठीक है। और ऑन ऑफ करने के लिए जो हमारा तरीका है वो ये है कि डायरेक्टली हम क्या करें, यहाँ से नीचे के पैनल से हम आके चीज़ों को सेलेक्ट कर लें, एक तरीका हमारा ये है। और नेक्स्ट तरीका हमारा ये आता है कि हम चीज़ों को किस तरीके सेलेक्ट करें, बाय यूजिंग अ शॉर्टकट की सेलेक्ट करें। बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जब आप मूव करोगे तो वहाँ क्या होगा कि ये नीचे का जो हमारा पैनल आ रहा है, इन पैनल्स को हमारे इंटरव्यूअर्स हाइड कर देते हैं, जिससे वो ये जानना चाहते हैं कि आपके पास टेक्निकल डोमेन्स या टेक्निकल स्किल। क्योंकि जब आप चीज़ों को पढ़े होगे, जैसे मान लो आप किसी कमरे में जाते हो और उस कमरे के बारे में अगर आपसे डिस्कशन किया जाए, तो बाहर जब आप निकल के आओगे और उसके बारे में आपसे डिस्कशन किया जाए, पूछा जाए उस कमरे में आपने क्या देखा, तो उस कमरे में एक फ़ैन लटक रहा है, ठीक है। तो आप ये बताओगे कि सर उस कमरे में सीलिंग फ़ैन था, तो ये टेक्निकल डोमेन को शो करता है, हाँ कि हाँ ये है कि भैया हमारा जो स्टूडेंट है या हमारा जो बंदा है वो जानता है सीलिंग फ़ैन क्या होता है, नाम उसको पता है, इट मीन्स दैट वो सीलिंग फ़ैन जानता है क्या होता है। लेकिन वही चीज़ आके अगर आप ये डोनेट करते हो, सर उस कमरे में एक डंडा लटका हुआ था, उस डंडे में 3 विंग्स थे, 3 पंखे थे, और वो जब घूम रहा था ठंडी हवा दे रहा था, तो ये क्या कहता है, ये अनटेक्निकलिटी को शो करता है, ये देसीपन, एक गंवारपन को शो करता है, ठीक है। तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क हो जाता है हमारी चीज़ों को डिनोट करने में, हमें बोलने में। इसीलिए हमारे इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, नीचों की चीज़ों को हाइड कर देते हैं और फिर कहते हैं आप ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करिए, मतलब वो उतने से ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपने कभी ऑटो कैड पर हाथ रखा है या नहीं रखा है। तो ऑटो कैड में ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करने का जो शॉर्टकट कमांड है वो है F8। बट आप जानते हो ओरिजिनल ओरिजिनल कीबोर्ड का कमांड है F8, ओरिजिनल कीबोर्ड इन द सेंस कि आपके लैपटॉप्स जो होते हैं वो ओरिजिनल कीबोर्ड नहीं है। आप अपने लैपटॉप में अगर देखोगे तो F1, F2, F3 हर बटन पे ड्यूल वर्क दिए होंगे, कहीं ब्राइटनेस दिया होगा तो कहीं साउंड दिया होगा, कहीं कुछ दिया होगा, कहीं कुछ दिया होगा, ठीक। तो F8 का कमांड लेने के लिए क्या करना पड़ता है, जब जहां पे भी किसी बटन पे दो कमांड दिए हो तो क्या करते हो आप, कंट्रोल शिफ्ट या फंक्शन के साथ दूसरे कमांड को या पहले कमांड को निकालते हो। इसीलिए कुछ लैपटॉप्स में आपको F8 को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F8 लेना पड़ेगा, और कुछ लैपटॉप्स में आपको कंट्रोल के कमांड को सेलेक्ट करने के लिए फंक्शन प्लस F8 लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम कंट्रोल प्लस F8 लेते हैं। देखो कंट्रोल प्लस F8 मैंने प्रेस किया तो ऑर्थो मोड ऑन हो गया, कंट्रोल प्लस F8 लिया तो ऑर्थो मोड ऑफ हो गया। अब परेशान मत होना, ये नहीं कंट्रोल प्लस F8 को ही हर जगह यूज करना, डेल वगैरह के लैपटॉप में चीजें चेंज होती हैं, डेल वगैरह के लैपटॉप में फंक्शन की जो कीज होती हैं उनको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए
हमारा फंक्शन FN को प्रेस करना पड़ता है, FN के साथ ऊपर की फंक्शन कीज को प्रेस किया जाता है, बट कॉम्पैक्ट की लैपटॉप में, HP के लैपटॉप में कंट्रोल के साथ ऊपर के फंक्शन के बटन को प्रेस किया जाता है। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। ओरिजिनल कीबोर्ड में सिर्फ F8 को प्रेस करना, डेल वगैरह में फंक्शन के साथ F8 को प्रेस करना, कॉम्पैक्ट और HP के लैपटॉप में कंट्रोल के साथ F8 को प्रेस करना। तो कंट्रोल के साथ F8 को प्रेस करके हम लाइन को, मतलब ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं। तो ऑर्थो मोड को ऑन कर लिया, अब आते हैं बेटा यहाँ पे 10 की लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो 10 की लाइन बनाए, तो देखो 10 की लाइन तो बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो पेज है वो बहुत ज्यादा अभी कंप्रेस किया हुआ, कंप्रेस किया हुआ, इट मींस दैट 10 की लाइन, तो आप देखो यहाँ पे 64 लिखा है, 10 की लाइन बहुत छोटी हो जाएगी। तो हम 100 की लाइन लेते हैं, कंप्रेस किया हुआ, तो मुझे जूम करना पड़ेगा अभी, और अभी मेरे पास माउस अभी करंटली में अवेलेबल नहीं है, आगे आने वाली क्लास में अवेलेबल कर लिया जाएगा। तो अभी हम 100 का बना के चेक करते हैं। तो देखो 100 की लाइन मुझे बनानी है, और टाइम भी देखना, 100 की लाइन बनानी है, देखो वह 103, 102, 101। अब एक्यूरेट 100 का बनाना है, बहुत जल्दी हमें नहीं मिलेगा, 99, और ये देखो यहाँ 99.1 समथिंग, सॉरी 99, 100 करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ो, 101 हो रहा है, 99, ठीक है। तो टाइम लग रहा है हमारा, ये मान लो लाइन बन के रेडी हो गया। अब जब लाइन जहां तक आपने बनाना था वहां तक बनाने के लिए आप बना के क्या किए, आप अपने माउस पे क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक से सेलेक्शन होता है और राइट क्लिक से आर्गुमेंट आता है, तो लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको बाहर निकलना है, तो एंटर कर दो, बाहर निकल गए। अब आओ माउस प्लस कीबोर्ड से बनाओ। तो माउस प्लस कीबोर्ड के लिए हमें क्या है, माउस की हेल्प यहाँ हम किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि मेन हमारा तो दिक्कत ये है, सिर्फ कीबोर्ड को सेलेक्ट करने की दिक्कत यहाँ किस लिए आ रही है, दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हमें कमांड भी याद नहीं है। तो कमांड याद नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उस कमांड को माउस से बुला के ला रहे हैं। चलो माउस से बुला लिया, अब यहाँ पे पहली पॉइंट मान लो सेलेक्ट कर ली, पहली पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद जिस दिशा में जाना उधर की तरफ इशारा कर दो, इशारा कर दिया, और जितना बनाना है उतना अपने कीबोर्ड से डाल दो। तो कीबोर्ड से देखो यहाँ नीचे में आया 100, नीचे में देखो यहाँ 100 आ रहा है यहाँ पे, ठीक, तो नीचे में मेरा 100 आ गया। अब जो 100 आपने डाला है वो इसके ऊपर पुट तो होना चाहिए, तो माउस का यूज तो हमने बंद कर दिया, मतलब माउस से हम सिर्फ सिलेक्शन करके ले आए हैं, जो भी लेंथ हमें पुट करनी थी हमने किससे पुट किया, कीबोर्ड से पुट किया, ठीक। तो कीबोर्ड से जब पुट किया तो ये 100 अब किसके ऊपर बिठाना है, ये 100 मुझे बिठाना है लाइन के ऊपर। तो बिठाने के लिए क्या करेंगे, एंटर करेंगे, मतलब सिलेक्शन की लेंगे, तो माउस से सिलेक्शन, माउस से करते थे तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करते थे, लेफ्ट क्लिक करते थे, तो कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एंटर, मतलब ये 100 जो था आपने जब एंटर किया तो ये आके यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो ये 100 आके हमारी लाइन पे बैठ गया, लेकिन अभी भी हमारा ये लाइन क्या है, ये चल रहा है साथ में, तो ये चल रहा है, इसका मतलब ये है जैसे मान लो आप अपने घर से निकले मार्केट चले गए बाइक से, ठीक है, अपने घर से निकले मार्केट चले गए बाइक से, तो मार्केट पहुंचते ही आपकी बाइक बंद हो जाती है क्या, बिल्कुल नहीं बंद होती है, जब आप चाहते हो तो बंद होती है। उसी तरीके से आप लाइन का कमांड लेके चल रहे हो, लाइन का काम कर रहे हो, ठीक है, लाइन का कमांड लेके चल रहे हो, तो आप लाइन बना लिए, लाइन आपकी रेडी हो गई, लेकिन उसके बाद भी लाइन क्या कह रही है, भैया और कहीं चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है, कहीं चलना है, ठीक। अगर आपको नहीं चलना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो फिर से एंटर प्रेस कर दो, बाहर निकल जाओगे। अगर आपको चलना है तो आप उस दिशा में फिर मूव कर जाओ, ओके। अब आते हैं देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, आपने खुद देख लिया होगा कौन सा फास्ट बना और कौन सा टाइम टेकिंग था, और देखते हैं एक्यूरेसी किस में है। तो इस पे क्लिक करो और इसकी एक्यूरेसी देखो, मतलब इसकी क्या लंबाई चौड़ाई है, और उसके बाद नीचे की एक्यूरेसी देख लो, इस पे क्लिक करो और इसकी एक्यूरेसी देख लो। हाँ, अब आते हैं इसमें एक चीज ये चेक करते हैं, ये बहुत छोटा दिख रहा है डायमेंशन आपको, तो डायमेंशन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको एक्यूरेसी के साथ, सॉरी एक्यूरेसी के साथ ये दिख जाए कि भैया हमारी लाइन की लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई या सॉरी लंबाई कितनी है, कोई इसमें डिफरेंसेस हैं, ये एग्जैक्ट ऊपर वाला भी 100 का बना है, नीचे वाला भी 100 का बना है। थोड़ा सा सिस्टम यहाँ स्लो काम कर रहा है बेटा, चलो कोई बात नहीं, सिस्टम स्लो काम कर रहा है, सीखने का टर्म्स है, थोड़ा सा इंतज़ार के बाद ही सीखने को मिले तो अच्छी बात है, तब तक आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स भी तो बना सकते हो। क्लोज, देखिए ऊपर में 99.17 कॉमा दिख रहा होगा, परेशान ना होना, ये आगे आने वाली क्लास में हम लोग इसको ठीक कर डालेंगे, क्योंकि ये डायमेंशन से ही गड़बड़ हुआ है, पॉइंट की जगह कॉमा आ गया है, और ये प्रॉपर 100 का है। इट मीन्स दैट हमें ये समझ में आया कि हमें जो काम करना है वो कीबोर्ड प्लस माउस से करना है, जिसमें हमारी एक्यूरेसी बरकरार है, क्योंकि कीबोर्ड एक्यूरेसी को सफिशियंटली बरकरार रखा हुआ है एक प्रॉपर एक्शन के साथ हमारा
एक्यूरेसी जो है कीबोर्ड प्लस माउस में पूरे की पूरी बैठी हुई है, क्लियर है। बट अगर हम सिर्फ माउस का हेल्प लेते हैं तो हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे परमानेंटली बैठती नहीं है, हमारी एक्यूरेसी स्टैंड नहीं कर रही है। तो आपको किसके साथ जाना है? आपको जाना है माउस प्लस कीबोर्ड के साथ, जिसमें एक्यूरेसी हमारी स्टैंड करती है, ना कि हमें जाना है सिर्फ माउस के साथ जिसमें एक्यूरेसी हमारी स्टैंड नहीं कर रही है। ठीक है, अब आते हैं एक डायग्राम पर काम करते हैं, एक रेक्टेंगल बना के चेक करते हैं और वहां से हमारी क्लियरिटी हो जाएगी। देन उसके बाद आप लोगों को बाइंड अप किया जाएगा और कुछ डायग्राम्स आप खुद से कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट्स है या सॉफ्टवेयर की दिक्कत है या सॉफ्टवेयर नहीं है या इसमें कोई टेक्निकल डोमेन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे नंबर्स पे कॉल कर लेना, जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आइए लाइन पे बात करते हैं। एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाते हैं 100 बाई 50 का। तो जिस दिशा में जाना है उस दिशा में बस देखो क्या करना है। सबसे पहले लाइन लो और पहली पॉइंट को डिफाइन करो, मतलब कहाँ शुरू करोगे, यहाँ शुरू करोगे। सीधी लाइन कितने की होनी चाहिए? 100 की सीधी लाइन दे दीजिए, बन गई 100 की सीधी लाइन, एंटर कर दीजिए। मतलब 100 की लाइन पुट हो गई। अब उसके बाद आपको नीचे आना है तो नीचे की तरफ इशारा कर दीजिए, जहां तक बन गई है वहां से नीचे गिर जाइए, नीचे की तरफ इशारा करिए 50, एंटर कर दीजिए। फिर आपको इधर की तरफ जाना है तो इधर जाइए 100, ठीक है, फिर एंटर कर दीजिए। फिर ऊपर की तरफ जाना है तो ऊपर की तरफ इशारा करिए 50, एंटर कर दीजिए। उसके बाद भी ये लाइन आपके साथ घूम रही है, जो मैंने बताया था कि भैया जब तक आप डायग्राम कंप्लीट नहीं करते, सॉरी डायग्राम जब आपका कंप्लीट हो जाता है और कमांड से जब तक आप बाहर नहीं निकलते तब तक आपके लाइन आपको डिस्टर्ब करता रहेगा या आपको एक एक्शन ये दिखाता रहेगा कि सर आप और कहीं चलना चाहते हो, मतलब आपको ये अलाउबल है कि आप और कहीं जा सकते हो। बट अगर आपको नहीं जाना तो एक सिंगल टाइम और एंटर कर दीजिए, तो उससे क्या होता है आप आउट ऑफ द कमांड हो जाते हो। जो भी कमांड आपका स्टैब्लिश है, जो भी कमांड आपका चल रहा है वो आउट ऑफ सेक्शन हो जाता है, मतलब इससे आप बाहर निकल जाते हो। ठीक है, अब उसके बाद इसके डायमेंशन को अगर चेक करना है तो यहाँ एनोनेशन पे आइए, लीनियर पे आइए और इसके डायमेंशन को फटाफट यहाँ से चेक कर डालो। ये देखो हमारा 100 है, ठीक है, और नेक्स्ट डायमेंशन आपको चेक करना है इसकी ब्रेथ कितनी है तो उसको फटाफट चेक कर डालो, ये 50 है। ठीक, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन के यहाँ पे चला आया। अब जैसे मान लो एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस में आपको आई लिखना है, ठीक है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस में आप चाहते हो कि एक अल्फाबेट आई लिखो आप, तो कैसे लिखा जाएगा? और आई का मान लेते हैं कि हमारी जो लंबाई है ये मान लेते हैं हमारा 200 है। ठीक, आई की जो नीचे की थिकनेस है वो 50 मान लेते हैं। नीचे में सॉरी 5 कर दिया मैंने, ठीक है, नीचे में आते हैं, नीचे की तरफ इशारा करो और इसको 50 कर दो। ठीक, इधर की तरफ हम जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये 200 का है, ऊपर में हमारा 200 का है। ठीक है, तो आई में जो आई का जो लाइन होगा नीचे में उसकी आप थिकनेस कितनी रखोगे? तो 200 इसको मान लिया बेटा आपने और 50 इसको मान लो, 50 इसको मान लो, या 100 इसको, 50 मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी एक्यूरेसी क्या देखनी है, इतना थोड़ी सुंदर हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, 50 इसको मान लीजिए, नीचे आ जाइए फिर 200, ठीक, फिर इधर कितना आ जाइए, इधर फिर 50 आ जाइए, सॉरी कंट्रोल जेड कर लीजिए, 50, 50, फिर नीचे की तरफ भी 50 आना है हमको, 50 आ जाइए, फिर इधर की तरफ कितना जाना है, फिर इधर की तरफ 200 जाइए, फिर ऊपर की तरफ कितना, फिर ऊपर की तरफ 50 मूव कर जाइए, फिर अंदर की तरफ कितना, फिर अंदर की तरफ 50 मूव कर जाइए, फिर ऊपर की तरफ कितना, फिर ऊपर की तरफ हम लोग आए थे 200, फिर ऊपर की तरफ 200 मूव कर जाइए, फिर इधर की तरफ फिर से 50 मूव कर जाइए, फिर ऊपर की तरफ 50 मूव कर जाइए। बन गया ये आई, क्लियर? तो इस तरह से आप सारे सीधे सीधे अल्फाबेट्स आप ट्राई कर सकते हो, जैसे ई ट्राई कर सकते हो, सी ट्राई कर सकते हो सीधे सीधे, ठीक है, एल ट्राई कर सकते हो, एस ट्राई कर सकते हो, ये सारे अल्फाबेट्स आप धीरे धीरे ट्राई करिए। ट्राई करके फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपका होगा, व्हाट्सएप पे अगर आप करना चाहो तो व्हाट्सएप पे आप अपनी बातों को, अपने कन्फ्यूजन्स को मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, इतना करके फिर मुझे बताइए कि किस तरह से आपको चीज़ें लगी, आप इस पर काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और हर हाँ, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है मेरे जॉब प्रोफाइल में, क्योंकि इंजीनियरिंग सेक्शंस में या डिप्लोमा सेक्शंस में अगर हम आते हैं, बीटेक में आते हैं या हम अपने डिप्लोमा सेक्शन में आते हैं उसके बाद हम जॉब प्रोफाइल्स के लिए जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारे जॉब प्रोफाइल में ये हमें हेल्प कर रहा है या जो लोग जॉब कर रहे हैं जो डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें ये लग रहा है कि अच्छा है, हमारे लिए काम की चीज़ें हैं, तो गाइज हमें प्रोत्साहित करिए, हमारे हार्डवर्क पे
हम कुछ ना कुछ हमें एक फीडबैक दीजिए, और वो फीडबैक आपकी लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से बन सकता है। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन करना ना भूलिए। ओके थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।